बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। राजधानी लखनऊ में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने अपनी बहन की हत्या कर उतारा मौत के घाट। 22 वर्षीय हिमांशु ने 22 वर्षीय शिवानी सिंह की गला दबा कर की हत्या। प्रेम प्रसंग को लेकर भाई ने कई बार किया था विरोध। 24 दिसंबर को शिवानी सिंह अपने प्रेमी से गई थी मिलने। प्रेमी से मिलने की जानकारी के चलते हिमांशु ने शिवानी के घर वापस आने पर गला दबा कर की हत्या। हत्या करने के बाद शव को घर में ही दफना दिया गया। मृतका शिवानी के पिता माता पहले ही मर चुके थे। 5 साल से बड़े भाई हिमांशु के साथ रह रही थी शिवानी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज, हिमांशु सिंह को लिया हिरासत में। शिवानी के शव को घर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहरपुर थाना क्षेत्र के पलरी गांव की घटना। संवाददाता प्रदीप ने हत्या की वारदात हुई है, क्या पूरा मामला है? कल देर रात सहरपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है 112 नंबर के माध्यम से कि एक अननोन कॉलर है जिसने ये बताया है कि सैदपुर में पलरी नाम का एक गांव है जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी बहन की हत्या करके उसके शव को कमरे में ही गाड़ दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस जो है वो गांव में पहुंचती है और दरियाफ्त करती है, पता करने का प्रयास करती है और फिर इसी उसमें जो है वो ग्रामवासियों की मदद से एक व्यक्ति है हिमांशु, उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसकी एक बहन थी जिनका नाम शिवानी था और जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वो एक दो दिन से लापता है। जब हिमांशु से जब कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है, दुपट्टे से उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को छुपाने की नीयत से उसको उसी कमरे में उसको गाड़ दिया है। इसके बाद पुलिस जो है उसको हिरासत में लेकर के उससे और डिटेल में और पूछताछ करती है। अभियोग पंजीकृत किया जाता है। जो इसका मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम हिमांशु सिंह है उसको हिरासत में ले लिया गया है और आगे की पूछताछ चल रही है किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ। जो अभी जो हमारी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से और जो पूछताछ की गई उसके हिसाब से ये बताया गया कि ये आने जाने पे उसको टोकती थी, बहन जो है वो आने जाने में टोकती थी और कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पर इनमें वाद विवाद होता था और ये शराब के नशे में था और इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर इसमें वादी कौन बना है, पुलिस बनी है या फिर उसी के कोई? इसमें पुलिस वादी बनी है क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे लड़की के उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और उनका कोई जो रिलेटिव था वो उसे दहेज नहीं दिया, तो पुलिस ही इसमें वादी बनी है और हम लोग आगे की नियमानुसार कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। शव को पंचायत में भर के पोस्टमार्टम